बर्दाश्त ही कर सकते हैं गर्मी। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, हुकूमत को इकदाम करना चाहिए, ठंडे पानी का इंतजाम करना चाहिए। हीट स्ट्रोक आने वाला है, इनको इंतजाम करना चाहिए। कराची में सूरज आग बरसाने लगा, शहर का पारा 43 को छू गया। गर्मी से लोगों का बुरा हाल, हीट स्ट्रोक से एक शख्स जान बहक। मुतवफी की मसूद अनवर के नाम से शनाख्त। अस्पतालों में अलर्ट, डॉक्टर्स का लोगों को धूप में ना निकलने और पानी ज्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा। बिन कासिम पावर स्टेशन का एक यूनिट ट्रिप, 200 मेगावाट का इजाफी शॉर्टफॉल। नागन चुरंगी, मुस्लिम टाउन, सिरजानी टाउन और दीगर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। आप नवाज शरीफ की जवाबबंदी करना चाहते हैं, इसलिए आप अपना जो है वो प्रेस का और मीडिया का भी गला घोंट दें, ये बड़ी ज्यादती है। मैं ये समझता हूँ कि ये कभी पाकिस्तान बनाने वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी के अलावा किसी और की हुक्मरानी आएगी। पाकिस्तान तन्हाई की तरफ जा रहा है, ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। नवाज शरीफ कहते हैं पार्लियामेंट हुकूमत की रिट कहाँ है, एक सुतून ने रियासत के बाकी सुतूनों पर कब्जा कर रखा है। सहाफत के साथ हमारा गला दबाने की कोशिश भी की जा रही है, खलाई मखलूक अपनी मर्जी की पार्लियामेंट लाने में मसरूफ है। नवाज शरीफ का मुकाबला खलाई मखलूक से नहीं, शहबाज शरीफ और हमजा से होगा। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ करप्शन के नाकाबिले तर्दीद सबूत आने पर बौखलाहट का शिकार हो गए, तेजी से अपनी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो सियासी मैदान गरमाने को तैयार, कल कोयटा में जलसायाम से खिताब। 5 मई को इस्लामाबाद का दौरा, 6 मई को लाहौर में मैदान लगाएंगे, 7 मई को मंडी बहाउद्दीन जाएंगे। कहते हैं एक तो शायर शायरी मुझे आती नहीं, जिस पे भरोसा था वही कातिल निकले हमारे। का एहतराम करें, काम में मुदाखलत ना करें, जमहूरियत ही मुल्क को बचा सकती है। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा हुकूमत बड़े लोगों पर टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं। गरीब पर 300 अरब के टैक्स लगा दिए गए, तकरीर के बाद वजीर आजम और ऑपोजिशन लीडर में मुसाफा। नैब रेफरेंस की समात, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और रिटायर्ड कैप्टन सफदर पेश। ख्वाजा हारिस की तफ्तीशी ऑफिसर इमरान डोगर पर जरा, ख्वाजा हारिस और नैब प्रोसिक्यूटर में तल्ख जुमलों का तबादला। वजीर दानिया नजीज के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया, अदलिया और कवानीन की बेहतरी के लिए जिद्दोजहद की है। दानिया नजीज का अदालत में बयान, आपने अदालत के अंदर ही तकरीर शुरू कर दी, बाहर जाकर करें। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। वसीम अख्तर के खिलाफ भी तहकीकात शुरू, नैब का मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन पर मेयर कराची को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। तौहीन अदालत केस में फैसल रजा अब्दी सुप्रीम कोर्ट में पेश, माफी मांगने की दोनों दरख्वास्तें खारिज। केस कराची रजिस्ट्री मुंतकिल करने की इस्तदा भी मुस्तरद, चीफ जस्टिस ने केस दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दिया। वाइस चेयरमैन मलिक इरफान का भरे बाजार में खातून पर तशद्दुद, पुलिस शनाख्त करने के बावजूद मुलजिम पकड़ने में नाकाम। वजीर आला पंजाब का नोटिस, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मसीहा इलाज छोड़कर फिर सड़कों पर आकर, लाहौर में सर्विसेज अस्पताल के बाहर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, रावलपिंडी में डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। डॉक्टरों की मौजें, आसान शराइत पर 25 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा। यंग डॉक्टर्स को 7 लाख, मुस्तनद हकीम, एलाइट हेल्थ प्रोफेशनल्स को 2 लाख कर्ज लेने की इजाजत। स्मार्टफोन स्कीम मुतारिफ करा दी गई। गुजरात में नामालूम अफराद के हाथों शहरी कत्ल, गुरसा का लाश चनाब पुल पर रखकर एहतजाज।
मुजाहिरीन ने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। कराची के इलाके हॉक्सबे रोड पर ट्रक स्टैंड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, दर्जनों तजावुजात का खात्मा, मुतासरीन का एहतजाज। साइबर टीचिंग अस्पताल पेशावर के 3 मुलाजिम आजाद कशीद में गुर्दों की पैवनकारी में मुलविस, पुलिस ने छापा मार कर पकड़ लिया। शकील आफरीदी के मामले पर अमेरिका से कोई डील नहीं की जा रही, हुसैन हकानी के साथ तबादले का सवाल ही पैदा नहीं होता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने साफ साफ बता दिया, कहा अफगान महाजरीन की वापसी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं आलमी बिरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भारतीय शहरी की रिहाई, जतेंद्र अर्जुन को वाहगा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस भेज दिया गया। भारत में तूफान से तबाही, हलाकतों की तादाद 77 हो गई, 143 जख्मी, अस्पतालों में जेर इलाज। लाहौर में पाकिस्तान सुपर कबड्डी लीग के मुकाबले जारी, आज गुजरात, लाहौर, साहिवाल, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और कश्मीर की टीम्स होंगी मद्दे मुकाबले। हॉकी के फाइनल में पहुंच गई रोमा, सेमीफाइनल का दूसरा लीग मुकाबला जीत कर भी फाइनल में ना पहुंच सकी, फाइनल 26 मई को होगा। पाकिस्तान की एक और बेटी ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया, 18 साल दानिया हसन ने अमेरिका में उभरते हुए नौजवान का अवार्ड जीत लिया। दानिया पाक अमेरिका एलुमिनाई नेटवर्क के तहत अवार्ड पाने वाली कम उम्र तरीन लड़की बन गई। भारत में ट्रेन के बाथरूम के पानी से चाय और कॉफी की तैयारी, रेलवे हुकाम ने कॉन्ट्रैक्टर को 1,00,000 रुपए जुर्माना कर दिया। हल्दी वाला सालन खाएं, अपनी याददाश्त बढ़ाएं, अपना मूड भी बेहतर बनाएं, नई तहकीक सामने आ गई। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर ओलैंडो में जगह जगह से जमीन बैठ गई, गढ़ों में मुसलसल इजाफा, लोगों को इलाके से निकल जाने की हिदायत। इंसान 7,81,000 साल से जमीन पर मौजूद है, फिलिपाइन में खुदाई के दौरान मिल गए अनोखे आसार, बाज ढांचे 75% तक मुकम्मल। और कार्टून कैरेक्टर से जुराइम पेशा गैंग कल्चर का फिरोग, चीन में बच्चों के बेहद मकबूल कार्टून कैरेक्टर पापा पिग को ऑनलाइन वीडियो चैनल पर ब्लॉक कर दिया।